नाखून खोल के। बेटा ऐसा है, हाथ लगाना तो दूर की बात है, अगर बोतल मुंह को लगा ली ना तो बॉडी का पीसेज करके बोतल में बिठा दूंगी मैं, समझा तू? निकल यहाँ से। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, की हो गया जी? हाँ मैडम, क्या हुआ? आप जैसी हरी भरी, मेरा मतलब है आप जैसी खुश मिजाज लड़की आज अचानक इस तरह दरिंदगी का PhD, मेरा मतलब है अत्याचार का डिप्लोमा, मेरा मतलब है कि आप इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्से में ना हूं मैं, उबल रही हूं मैं। मम्मी जी, हु इज दैट फेलो जिसने आपको उबाल दिया? अबे ये जो शराब चीज हो बे ना, इससे नफरत है मन ने। अबे शराब पीने वालों के जो है ना घर बर्बाद हो जावे, उनके बच्चे अनाथ हो जावे, बीवियां जो है सड़क पे आ जावे, ना मारा बस चले तो सोसाइटी से एक एक बूंद मिटा दूं मैं शराब की। ना फॉर एग्जांपल इस मोटे को ले लो, इसकी बीवी आई थी कंप्लेंट लिखाने, ऐसी हालत करी है साले की, जिंदगी भर हाथ ना लगाएगा बोतल को। आजकल के अड्डे पे जा, साले को बोल शाम तक उसने अपनी दुकान बंद ना करी है ना तो टांगे तोड़ के उसकी हाथ में पकड़ा दूंगी मैं। ओके। मैडम मिस्ड कॉल मैडम, आपने हमसे ये बात छिपाई कि कोई आपको मिस्ड कॉल करता है? क्या बात है मैडम, क्या बात है, कौन है ये मैडम जो आपकी दिल की चाट का चाट मसाला बन गया है? बेटा चाट और चाट मसाले पे ध्यान ना दो, पहले चाटा खा लो। दीदे फाड़ के देख ले किसने मारी से मिस्ड कॉल। अरे सर, सर आपको मिस्ड कॉल देते हैं? अबे यो तो जो है ना कार्तिक कॉलिंग, कार्तिक का मेन लीड सर ही हो रहा है यहाँ पे। अबे इसकी लपाड़ पंती की हरकतों से तंग आ गई हूँ मैं, मन्ने एक एक बार जो है मिस्ड कॉल मारता रहे। अबे सोच रही हूँ तैने गोली मार दूँ। अरे आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही बंटू बंटोला चिंटू चिंटोला आइडिया आ रहा है, और आइडिया भी ऐसा है मैडम जिसे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अबे लाठी तो बाद में टूटेगी, हड्डियां टूटेंगी पहले, फिर देगा आइडिया। अरे तो जरा कोने में तो आइए सुनिए। तुम्हारी शादी के जनवासे के आंगन में जो है ना गोबर लीपेगा तू। ऑफ कोर्स मैडम, आई लव गोबर। केबिन में जाइए, कम ऑन फास्ट। आखिर कब तक चंद्रमुखी जी इसी तरह तस्वीर में दीदार होता रहेगा? कब आप मेरी हो जाओगी, कब आप मेरी बनोगी चंद्रमुखी जी, कब कब कब? कभी नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर ये बकवास वो बकवास है जिसे अगर आपने बकवास समझा तो आपकी पूरी की पूरी लव लाइफ बकवास हो जाएगी सर। सर अब एक सीधे सीधे सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए, क्या आप शराब पीते हैं? शराब पीना बुरी बात है? बात नहीं सर, हालात। सर मैं भी जानता हूँ सर, मैं मानता हूँ और समझता हूँ कि शराब पीना बुरी बात है, लेकिन मैडम क्या तुम ये कहना चाहते हो कि चंद्रमुखी जी शराब पीती है? पीती नहीं सर, पीता। मैडम के जो पिता हैं, यानी कि मैडम के जो फादर हैं, यानी कि मैडम के जो डैडी हैं, वो हरियाणा के दारू किंग हैं सर। दारू के पैसों से मैडम की पढ़ाई लिखाई परवरिश सब कुछ हुआ है सर। मैडम की रगों में खून नहीं दौड़ रहा है सर, शराब बह रही है मैडम की रगों में। और मैडम के पिता ने मैडम से एक वादा भी लिया है सर कि मैडम अपनी शादी का जनरेटर सिर्फ उस आदमी के डीजल से ऑन करवाएंगी जो एक शराबी हो, एक नंबर का शराबी है। ये कैसा बाप है जो अपनी बेटी की शादी किसी शराबी से करना चाहता है? अरे लेकिन बाप को मारिए गोली ना सर, मैडम की सोचिए, बेटी की सोचिए। अरे मैडम खुद शराब और शराबियों से प्यार करती हैं, शराबियों की दीवानी है वो। वो अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्म है सर वो शराबी? वो मैडम ने पता है कितनी बार देखी है? 5,000 बार। 5,000? अरे हाँ सर, और वो भी क्यों? क्योंकि उसमें अमिताभ बच्चन एक शराबी है। अरे मैडम यूं तो शराब की भट्टियों पे रेड डालती है लेकिन खुद अंदर से शराब से और शराबियों से प्यार करती है। शी लव्स देम, शी लव्स शराबीज। बट नाउ व्हाट टू डू, मैं तो शराब पीता ही नहीं। अरे सर तो मैं भी आपसे शराब पीने के लिए कहाँ कह रहा हूँ सर। आप सिर्फ शराब पीने की एक्टिंग कीजिए। आप एक काम कीजिए सर,
आप शराब लेकर अपनी शर्ट पे यूं थोड़ी गिरा लीजिए, जिससे महक से ऐसा लगे कि आप शराब पिए हुए हैं, आप एक शराबी हैं। और उसके आगे का भी एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। हाँ तो दोना दोना। सर आपके पास 1,000 रुपए होंगे सर, वो क्या है कि मेरी वाइफ को एक साड़ी पसंद आ गई है। हाँ हाँ क्यों नहीं, 1,000 क्यों, तुम 1,000 रखो। लेकिन कोई ऐसा आइडिया दो गुब्बारे जिससे चंद्रमुखी जी मेरी हो जाए। सर मैडम एक डांस फेस्टिवल में पार्ट लेने वाली है, तो आइडिया ये है कि मैडम सर आए रेडी रेडी। अबे गधे उल्लू, थारे बाप की चौकी हो रही है यहाँ, जो अपने मन मर्जी के टाइम पे आ रहा है तू। क्यों लेट हुआ है, क्यों लेट हुआ तू? सॉरी मम्मी जी, राधना जी मैं अपने फ्रेंडों के साथ जरा बैठ गया था जी, इसलिए लेट हो गया जी। गोपी यार, अरे पहले बोलो यो सारी बातें यार। गोपी तुमन ने माफ कर दिया, आई एम सॉरी, प्लीज गोपी इट्स ओके, कम ऑन कंटिन्यू वर्क। हेलो चंद्रमुखी जी। हेलो सर। वैसे चंद्रमुखी जी मैंने सुना है कि आप किसी डांस फेस्टिवल में हिस्सा ले रही है। हाय हाय, सही सुना है सर आपने, गुड। हाँ ओके ओके ओके, हम भी आएंगे आपका डांस देखने। सर वो जो हाल है ना सर, वो थोड़ा फुल हो रहा है। फुल हो रहा है तो ठीक है, क्या आप हमारे लिए स्पेशल शो नहीं कर सकती? सर जो एक आर्टिस्ट हो ना, आर्टिस्ट सर वो पैसे ऐसे का ना, वो तालियों का अप्रिसिएशन का भूखा हो बे, तो जब तक जो है ऐसी हजारों तालियों की गूंज उसके कान में ना पड़े ना सर, तब तक आर्टिस्ट का मूड ना बने, प्लीज। सॉरी मूड हम बनाएंगे आपका मूड, और साथ ही साथ हम अपना भी मूड बना कर आएंगे। हुई हुई रियली सर? या अरे सर मन ने तो बेरा ही कोई ना था कि आप भी मूड बनाने के शौकीन हो रहे हैं सर। सर ईव देखिए, ईव तो देखिए, डांस पक्का ईव, मैं कैसे झूम के डांस कर रहा हूं देखिए आप। ओके और आप भी ये देखिए, अगर इतनी तालियों की गूंज सुनाई देगी कि आपको ऐसे लगेगा जैसे 1,000 लोग आपका ये शो देख रहे, मूड बना के। हुई हुई वाह सर, फिर तो आज ही होगा डांस। हुई हुई देखा सर आपने, देखा मैंने आपसे क्या कहा था। सर बस अब आज हो जाए डांस यार। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, मैडम को शक नहीं होना चाहिए कि आप असल में पीते नहीं है, सिर्फ पीने की एक्टिंग करते हैं, ऐसा मैडम को लगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी सर, तो इसलिए आज आ रहा था आप थोड़ा सा चढ़ा कर आइएगा। अरे मैं कैसी जो कह रहा हूँ उतना सुनिए सर, थोड़ा सा थोड़ा चढ़ा कर आइएगा सर, वो रियल लगेगा जरा, रियलिटी थोड़ा। अंकल एक बात बताओ, बगुला एक टांग पे क्यों सोता है? अरे यार ये तू सारे उल्टे सीधे सवाल मुझसे क्यों पूछता है, किसी और से पूछ लिया कर। अरे लेकिन बताओ ना, बगुला एक टांग पे क्यों सोता है? वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने कभी उसको एक टांग पे सोते हुए नहीं देखा है, तूने देखा तू बता दे। अगर दोनों टांग उठा लेगा तो गिर नहीं जाएगा? हां हेलो चंद्रमुखी जी, वेयर आर यू? भाई मैं आ गया हूँ अपना मूड बना के। अभी आप भी जल्दी से मुझे डांस दिखा दीजिए मूड बना के। वेयर आर यू? हेलो चंद्रमुखी जी। मान गई आपको बिक्की बाबू, आई मीन सर जी। हाँ। मैंने आप जैसा ताली बजाने वाला आज तक ना देखा। सर जी आज तो आपने जो है महफिल ऐसी सजा दी कि मैं खुश हो गई सर जी, आपने तो मूड ही बना दिया सर जी, मूड। अच्छा ठीक है, तुम्हारा मूड बन गया, मैं अपना थोड़ा और मूड बना के आता हूँ। एक्सक्यूज मी, Where am I? Come here. Okay, sir. Okay. अरे
चंद्रमुखी जी आप क्या बात है, आज आप बड़ी शर्मा रही हैं। सर, शर्माने वाली तो बात ही है सर। क्यों क्यों? अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। वैसे कल बहुत मजा आया ना। हाय हाय, क्या कह दिया मम्मी जी को तुमने? गुस्से का अटैक आ गया। मैडम ने मारी है गुस्से में लात, जरूर इन्होंने की होगी कोई बेवकूफी वाली बात। क्या किया सर आपने? मैंने क्या किया? अरे आपने मैडम से ये क्यों पूछा कि कल रात मजा आया ना? हाँ तो इसमें गलत क्या कह दिया मैंने? सर गलत क्या कह दिया? आप पूछ रहे हैं कल रात मजा आया ना, मतलब कल रात आप पिए हुए नहीं थे, आप ड्रंक नहीं थे, आप नशे में धुत नहीं थे, इसके लिए आपको सब कुछ याद है कि कल रात को क्या हुआ? अरे जो आदमी एकदम धुत होगा उसे कैसे याद रहेगा? अरे मैडम को ऐसे लोग पसंद नहीं है सर, मैडम को वैसे लोग पसंद है जो नशे में एकदम धुत हो, गटर में पड़े हो, याददाश्त एकदम चली गई हो, वैसे टाइप के टोटली ड्रंक पीपल पसंद है मैडम को। आप समझते नहीं है सर, कितनी बार समझाया लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आता है। Now what to do? क्या करूं? अब कोई कांड कीजिए सर, बड़ा। सर आपके घर के आसपास कोई रहता है? हाँ, वो धोबी, उसकी बीवी, मिस्टर एंड मिसेस धोबी। बस सर, आप उस धोबी के घर में घुस के धोबन को छेड़ दीजिए सर, फिर होगा ये कि बात बढ़ेगी, वो धोबन वो धोबी आपको यहाँ पर स्टॉकी में लेकर आएंगे और मैडम को पता चलेगा कि नशे में धुत होकर आपने उस धोबन को छेड़ दिया, फिर मैडम आपसे इंप्रेस हो जाएगी और फिर बजेगी आपकी शहनाई। अगर यही बात है तो मैं भी छेड़ूंगा धोबी की लुगाई। एक जो काम कहा है वो करा है तैने, कमिश्नर साहब को दिया है हमारा मैसेज। हाँ मैडम, मैसेज दे दिया मैंने और कमिश्नर साहब तो आते भी होंगे बस थोड़ी देर में। ना अबे, वो तो आके हमारे सर पे बैठ जाएगा, पर वो राज आर्यन ना धोबन छेड़ी उसने की ना छेड़ी। मैडम बीज तो आपके सामने ही बोया था ना, छेड़ दी होगी। चलो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। गिव मी माय बोतल। मैडम जी, मैडम जी, हम हूँ झल्लू धोबी उछल फांद के और ये अमरी मेरारू चिपकी उचक फांद के। हाँ तो मैडम जी, हम ये कह रहे थे कि हम अपने मेहरारू को अपने घर में छोड़ करके धोबी घाट गए थे कपड़ा धोने के लिए उचक फांद के, तो हमरे पीछे ये ससुर जो है ना हमरे घर में घुस गया और हमरी मेहरारू चिपकी से चिपकने लगा, मतलब कि छेड़खानी करने लगा उचक फांद के। और ये तो अच्छा हुआ कि हम एकदम टाइम पर अपने घर पे वापिस आ गए, फिर हमारे धोबी घाट के जितना धोबी लोग है ना वो सब मिल करके आज धोबी पता है ना वैसे इसको इतना धोया। और बाद में ना मैडम हम इसको ना गधा पर बैठा करके यहाँ ले आए हैं उचक फांद के। अरे मैडम जी, ये पिया है। किसका पिया है? अरे दारू पिया है उचक फांद के। इतनी तो मैं हो गई हूँ सयानी, मैडम मुझे तो ये सूरत लगती है कोई जानी पहचानी। ओके बाय। मम्मी जी, मुझे तो ये सरजी लगते हैं। ये बड़ा हुई 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 लगता क्या है? मैं हूँ सर। हेलो चंद्रमुखी जी, आई आर ड्रिंकिंग यू एंड शेयरिंग। हेलो डुक्की। सर जी आपने शर्म कोई ना आ रही, आपने धोबन छेड़ दी। धोबन? धोबन छेड़ दिया आपने, धोबन छेड़ दिया आपने, धोबन। किसने किसने छेड़ी धोबन? सर ये वो इंस्पेक्टर, इनने छेड़ी है, इनने इंस्पेक्टर आज आ रहे ने जो है धोबन छेड़ दी, वो भी दारू पी के। और सर मन ने तो जो है एल्कोहोलिक्स शराबी टाइप लोग एकदम कतई पसंद ना है सर। धोबन छेड़ी और वो भी शराब पी के और वो भी ड्यूटी पे, क्यों किया ऐसा? क्यों किया ऐसा? जवाब दो, मैं तुम्हें डिसमिस करता हूं। सर
सर नो सर डिसमिस मत कीजिए सर, मैं अपनी गलती मानता हूँ सर, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे और कोई सज़ा दीजिए, लेकिन नो डिसमिस सर, प्लीज़ नो डिसमिस सर। मेरे फादर पृथ्वीराज आर्यन के एहसान है सर आप पर, उन्होंने आपकी जान बचाई कंधे पे गोली खा के सर, रिमेम्बर। मुझे डिसमिस मत कीजिए सर, आई बैग माफी सर। तुम्हारे पिताजी की वजह से मैं तुम्हें डिसमिस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर रहा हूं, दोबारा से ऐसी गलती ना हो, समझ गए? चलता हूं। चलिए सर, मैं आपको जरा बाहर तक। चमचे। जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद। यो धोबे पुलिस वाला बीटिंग, आउच, चले यो डुकी, हैंग ऑन द आउच, आउच, ए यो, वेयर यू गोइंग? यू ओ मी एन एक्सप्लेनेशन, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा चंद्रमुखी जी? टेल मी और यू गुब्बारे फसा। क्या पसंद है मैडम को? कौन पसंद है बोल अभी? बोलिए चंद्रमुखी जी, बताइए मुझे, बोलिए। अवेयरनेस सर, अवेयरनेस। सर हम जो है ना यहाँ पे एक फिल्म बना रहे थे सर। ओए होए होए होए। सर सोसाइटी में जो है अवेयरनेस जगाने के लिए, ड्रिंकिंग स्टॉप करने के लिए हमने जो है चौकी में कैमरा लगा रखे, हिडन कैमरा, मोबाइल वगैरह पे शूट कर रहे हैं हम लोग। नहीं इसमें जो है हम यो दिखा रहे हैं यंगस्टर्स को, सोसाइटी को, कि जो है शराब पीना कितना हानिकारक होवे, उससे जो है शराब पीने से एक शरीफ, एक जो है इज्जतदार, एक गुड लुकिंग जो है पुलिस अफसर भी जो है सड़क पे आ सके, उसकी नौकरी छूट सके, मतलब बर्बाद हो सके वो। और सर आप जो है ना इस फिल्म के हीरो थे, लेकिन अब आपने कांड कर दिया बिल्कुल। आप भी अजीब है, आप फिल्म बना रही है फिल्म, और आपने मुझे बताया नहीं, पहले बताती तो मैं खुल के एक्टिंग करता। सर नेचुरल एक्टिंग चाहिए थी इसमें, और आप बढ़िया कर रहे थे सर। ओ हीरो, अब लेकिन फिल्म के एंड में हीरो हीरोइन की शादी हो जाती, मेड फॉर इच अदर, बाय बाय। नो सर, सर अवेयरनेस की फिल्म हो रही है सर यो, इसमें जो है ना हीरो सर आप पीना छोड़ता कोई ना, और हीरोइन फर्स्टेट होके जाए उसने गोली मार दे डिस्काउंट। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.